नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने UPSSC 15 डे रिवीजन प्लान अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से जो प्रीवियस विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज किए जाएंगे। तो उसी सीरीज़ में ये डे वन है और इसमें सामान्य ज्ञान का वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन UPSSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका है तो वह है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो दोस्तों, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार यहाँ पर जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में तो वह है 912, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बता दूँ कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 तथा जो भारत का लिंगानुपात है ये 940 है। वर्ष 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था ये था 898। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे छोटा देश है तो वो आपका है वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो वेटिकन सिटी है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है जिसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग है 44 हेक्टेयर यानी कि 108.7 एकड़। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों का अवशेष है ये आपका मिला था सुरकोटदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़े की लघु मृद मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है। तो दोस्तों, ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैरिबियन सागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। जो ग्रेनेडा है, ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलाकर बना है। 344 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की अनुमानित जो जनसंख्या है ये लगभग 11 लाख तथा राजधानी इसकी सेंट जॉर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत में पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1672 में विकसित किया गया था जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस प्रकार से आंसर जो हमारा सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से जो ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि जो ब्रिक्स है ये दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स शब्द के जो जन्मदाता थे ये थे जिम ओ नील हैं। इसका प्रयोग उन्होंने वर्ष 2001 के अपने शोध पत्र में दिया था। पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस ने येकाटेरिनबर्ग में 16 जून 2009 में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। तो दोस्तों, आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया, जिसने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम, खंड तथा जिला का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। आपको दोस्तों बताना है वो महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है।
तो क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय योजना का संबंध है। तो दोस्तों जो हृदय योजना है ये राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और फिर से जीवित करने के प्रयास के मद्देनज़र 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से जो सबसे हल्की गैस है तो वो आपकी है हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। इसका जो परमाणु भार होता है ये 4 होता है। नियान, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है ये क्रमशः 20, 14 और 16 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है जो ऑप्शन दिए हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डेटा का बाइनरी के रूप में भंडार होता है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत में जो कृषि आयकर है ये जो लगाया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राज्य सरकारों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि कर लगाने का जो अधिकार है ये राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रवता अनुपात है? तो इनमें से कौन एक द्रवता अनुपात है? आंसर आपका हो जाएगा चालू अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो कहा जाता है। इसे द्रवता अनुपात भी कहा जाता है। यह कंपनी की तरलता का माप है और अल्पकालीन देयताओं को चुकाने की सामर्थ्य का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोक चुनाव में वोट डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कागज विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना और इसके आदेशों की कद्र करना मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो आंसर आपका हो जाएगा पीली क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर यहां पर हो जाता है। हरित क्रांति की खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा जो पीली क्रांति है यह आपका तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आंसर आपका हो जाएगा किन्नौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? आपको बताना है कि जो मोनोजाइट है ये किसका अयस्क है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा थोरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम
कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ये थे दोस्तों आज के यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।